गाइस अभी आप लोगों ने क्लिप देखी, ये फील्डिंग के टाइम पे जो मेरी ये वाली उंगली इसमें चोट लग गई। तो चलते चलते मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम कितनी आई है। बॉलिंग तेरे को वैसे भी नहीं करनी है। अरे यार ट्रांजेक्शन नहीं करनी। क्या कर रहा है यार भाई? यार अभी लाइन पे है, कैंसिल होगी ट्रांजेक्शन दो बार। क्या इस बार ओटीपी सही डल पाएगा? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:30। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोग मैच हार गए एंड फील्डिंग के टाइम पे ये क्लिप मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं। आप लोग पहले एक क्लिप देखो। और फील्डिंग है यार। तो गाइज अभी आप लोगों ने क्लिप देखी, ये फील्डिंग के टाइम पे जो मेरी ये वाली उंगली इसमें चोट लग गई एंड इस वाली उंगली में बहुत ज़्यादा ही स्वेलिंग हो चुकी है। अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पहले ये उंगली देखो एंड एक मिनट ये वाली उंगली देखो, दोनों फिंगर्स में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। तो वाली जो फिंगर है बिल्कुल भी मुड़ी भी नहीं रही, देखो बिल्कुल थोड़ी सी मुड़ रही है एंड बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। सो मैंने सोचा कि आज मैं रेस्ट दूंगा क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मेरे को एक टूर्नामेंट खेलने ही बाहर जाना है। देन अभी जो आने वाला डेज है बहुत ज़्यादा हैक्टिक डेज होने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छे टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। सो गाइज आप सभी को एक गुड न्यूज़ देनी थी कि आप सभी के कारण मेरी यूट्यूब की जो फर्स्ट इनकम है वो आ चुकी है। मैं अभी थोड़ी देर में रिवील करने वाला हूँ कि कितनी इनकम आई है। सो थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरीवन इतना लव एंड सपोर्ट करने के लिए। बट जो मेरे को सपोर्ट चाहिए अभी वो मिल नहीं रहा क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स डाल रहा हूँ बट आप लोग मेरे डेली ब्लॉग्स अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना प्लीज मेरे डेली ब्लॉग्स को शेयर करा करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जो मेरी ब्लॉग्स होती है वो फैमिली ब्लॉग्स होती है। आप लोग जैसे कि रिसेंटली देख ही रहे हैं, क्रिकेट आई थिंक वर्ल्ड में सभी को पसंद है। तो जितना हो सके उतना प्लीज शेयर करा करो, अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाया करो, फैमिली में व्हाट्सएप चैट पे शेयर करा करो जितना हो सके। सो चलते चलते मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम कितनी आई है। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम आई है $198.67। दैट मीन्स कि 15,000 रुपीज आई है मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम। सो थैंक्स अलॉट टू ईच एंड एवरी वन, आप सभी के लव एंड सपोर्ट के कारण ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। सो चलो चलते हैं, इसको अमाउंट को निकालते हैं एंड देन चल के मम्मी को सबसे पहले अपनी फर्स्ट यूट्यूब इनकम देके आते हैं। जला देगा रिलीव दे देगा तेरे को इंस्टेंट, जिसको लगा के तू खेल भी सकता है। बॉलिंग तेरे को वैसे भी नहीं करनी है। सो गाइस मैंने अब उंगली पे गर्म पट्टी बांध ली और मैंने इसके नीचे रिलीव स्प्रे लगाई है। सो आई होप कि उंगली मेरी जल्दी ठीक हो जाए। चलो भाई ग्रीन टी के लिए पानी भरते हैं। पानी भर दिया, पानी को डालते हैं इसके अंदर। अभी ग्रीन टी बड़े भाई ने बनाई थी अपने लिए, सो ऑलरेडी से पहले चाय पत्ती डाली हुई है ग्रीन टी वाली। तो गाइस बेसिकली मैं ये ऑर्गेनिक इंडिया का ग्रीन टी यूज कर रहा हूँ जो कि बेस्ट लगा मुझे अभी तक। सो गाइस ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरे को सच में ऑर्गेनिक इंडिया ग्रीन टी बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जरूर एक बार ये ट्राई जरूर करना। सो गाइस अपनी अब ग्रीन टी आ चुके, चल चल के ग्रीन टी पीते हैं। सच बताऊँ बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। मैंने मॉर्निंग में 6:30 का राउंड उठ के पी थी एंड देन अभी दोबारा पी रहा हूँ। सो गाइस मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले रहा हूँ ओट्स एंड इसके अंदर मैंने थोड़े से किशमिश भी डाल दिए हैं। सो हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग भी हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर लिया करो। सो चलो चलते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं एंड साथ में मैच देखते हैं। सो गाइस जस्ट अभी भी KFC का बकेट मंगाया हमारे टुकू ने मेरे लिए। थैंक यू सो मच टुकू। मैं खाऊंगा सारा, ठीक है? तुम नहीं खाओगे? मैं खा लूंगा। नहीं दूंगा तुम्हें, नहीं दूंगा। तो चलो चले खाए फिर टुकू। हाँ। चलो चले खाते हैं। A few moments later. अरे ये कहाँ से आ गया? ये भी आ गया बांधने। टुकू तुम्हारे बाबा में तो बहुत पावर है भाई। सो गाइस ये देखो टुकू की तबीयत खराब हो चुकी है और टुकू अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ है। कितनी तबीयत खराब हो गया अभी? 102.5 डिग्री, बहुत ज्यादा खराब हो गया हमारे टुकू की तबीयत। सो ये मम्मी ने देखो इसकी देखो सिकाई करी है ठंडे पानी से, ये देखो। एंड टुकू को थोड़ा सा भी रिलीफ मिला। टुकू थोड़ा ठीक हुआ तुम्हें? सर में दर्द थोड़ा ठीक हुआ? हुआ गाइस जैसे कि अभी आपने बताया कि मम्मी पापा घर पर आ चुके हैं। सो अभी मतलब अभी जस्ट अभी आए हैं गाँव से। सो जैसे कि मैंने आपके पास मॉर्निंग में दिखाया था कि मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आ चुकी है। सो बस प्लान ये है कि मैं और मेरे जो बड़े मियाँ वो जा रहे हैं नीचे
अभी इनकम निकाल के लाएंगे एंड पापा के हाथ में दूंगा पैसे। सो पापा के जो फीलिंग होगी और जो मतलब पापा की स्माइल होगी वो आप लोग भी देखना है, एंड मैं भी एक्साइटेड हूँ कि पापा का रिएक्शन कैसा होगा। सो चलो चलते हैं नीचे चल के मनी लेके आते हैं एंड देन पापा के हाथ में पैसे देते हैं। मेरी फर्स्ट यूट्यूब की इनकम है, मतलब मेरे खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आप सभी के कारण ये चीज़ हो पा रही है, एंड देखते हैं कि पापा को मेरे ऊपर प्राउड फील होगा कि नहीं। सो लेट्स गो नाउ। सो गाइज, वैसे बैंक से मुझे पैसे तो निकालने आते नहीं हैं, तो मेरा बड़ा भाई आया साथ में निकालने के लिए और मैं सीख रहा हूँ भाई से। भाई मुझे सिखा दे एक बार, ठीक है? कंटिन्यू करना है क्या आ रहा? चेक ओटीपी भाई, फोन करना पड़ेगा रितु को। सो गाइज, एक दिक्कत होगी, चेक ओटीपी, अब भाभी को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि भाभी का अकाउंट एडेड था। सो अब इसके अंदर ओटीपी डालेंगे और ट्रांजैक्शन टाइम आउट हो गया, दोबारा से करना पड़ेगा। क्या यार भगवान, मेरी चीज में आओ, मुझे दिक्कत करते हो। अभी आएगा ओटीपी, फिर से ओटीपी। ओटीपी, एक मिनट रुक जा, योर चेक ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कंटिन्यू 49। अरे यार ट्रांजैक्शन नहीं कर, क्या कर रहा है यार भाई यार, अभी लाइन पे रहे, कैंसिल हो गई ट्रांजैक्शन दो बार। क्या इस बार ओटीपी सही डल पाएगा? दो बार तो दिक्कत होगी, इस बार तो सही डलना चाहिए। चलो इस बार सही ना। फाइनली माय फर्स्ट यूट्यूब इनकम, खुशी देख रहा हूँ, खुशी। कार्ड निकाल, कार्ड। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर किस किस को अभी तक गेम से पैसा निकालना नहीं आता। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आप सभी कारण इज पॉसिबल है। चलो चलते हैं, मम्मी आपको भी देके आते हैं। लेट्स गो भाई। कौन सी वाली बर्फी कराई है? स्टैंडर्ड बर्फी। सो गाइस, अभी हम लोग बर्फी लेने के लिए आए हैं शिमला। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आधे पापा के आधे मम्मी के, मिठाई भी आ चुकी है। बैठी लो मिठाई, पहले तो प्रणाम, आपके कारण ये चीज पॉसिबल हो पाया। लो ना, और ये लो मेरे पहले इनकम के पैसे, लो भाई आपके आए हैं। और प्रणाम मम्मी, ये लो याद है आपके, ये लो भाई। टुक टुक को टुकू का तो सब कुछ है। ये है देखो मेरी छोटी सी फैमिली, ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी, सब कुछ इन लोगों के कारण ही पॉसिबल हो पाया और इसके कारण है ना भाई बाबू। और मेरा नूनो को भी भाई बुला, भाई बोल रहे ना। तो मम्मी, मेरी पहले इनकम मिले, आपको कैसा फील हुआ? और कुछ सारा माँ को ऐसा। डैडी आप तो कुछ बोलो यार, ये सुख सब माँ को मिले क्या? इससे भी अच्छा करो तो फायदा और अच्छा रहेगा, तब फायदा होगा जीवन में आपको। पहले तो आप अपनी लाइफ सेट करो। हाँ, डैडी की बात सबको सुनाओ, डैडी बहुत मोटिवेट करते हैं। सेट होना चाहिए, ठीक है, हर इंसान की ये पॉजिटिव सोच होना चाहिए कि ये मेरे को अपना जीवन स्तर अच्छे ढंग से हो, जीवन स्तर को आगे बढ़ाया जाए, जिससे परिवार का नाम हो, ताकि लाइफ सबकी अच्छी चले। तो रेडी, जैसे मैं आज से 2 साल पहले था और अभी जैसे, तो आपको कुछ मतलब मेरे में इम्प्रूवमेंट दिखती है? हाँ, मतलब खुशी होती है। हाँ, तो खुशी थोड़ी होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब परमानेंट होना चाहिए। अच्छा, टेम्पररी नहीं, परमानेंट होनी चाहिए। सारी बात डैडी की लाइफ सेट पे आके अटकी हुई है कि भाई अंकित लाइफ सेट कर लो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। डैडी टेंशन ना लो, लाइफ सेट है, अच्छी जगह पे मेरा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ और भगवान उसी का मेरे को फल भी दे रहे हैं ना मम्मी। हाँ, ये बात सही है ना। सो गाइस, एट लास्ट एक ही बोलूंगा कि मम्मी और पापा के आंखों में खुशी देगी, इस चीज के इस चीज से अच्छी फीलिंग कुछ और नहीं हो सकती। आज से 2 साल पहले मैं आपको बताता हूँ कि पापा मतलब कभी सोचते कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट सब बता रहा हूँ आप सबके कारण ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। इंस्टाग्राम भी आप सबने मेरा इतना अच्छा कर रखा है एंड यूट्यूब भी आप लोगों ने, यूट्यूब में भी रिसेंटली डेली ब्लॉग्स डालने लगे एंड आप लोगों का बहुत अच्छा लव एंड सपोर्ट है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को। और बस अब यही लास्ट एक विश यही है कि बस मैं बहुत जल्द टीम इंडिया के लिए खेलूँ एंड वर्क हार्ड कर ही रहा हूँ, बस ऐसे ही बस सब कुछ चलता रहे। सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन। यूं तो कर दो रेडी, एक बार यूं कर दो मम्मी, आप भी करो।
उधर देख के बस। तो गाइस देखो जो मिठाई लेके आया था, मम्मी चढ़ा रही है भगवान को एंड थैंक यू कह रही है भगवान को। क्या कह रही है मम्मी? भगवान जी की कृपा से तो सब। अच्छा ये भी देखो प्रसाद चढ़ा रहे हैं हमारे टुकू। टुकू तुम क्या कर रहे हो? देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? भगवान जी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? अच्छा भगवान जी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? देखो मैंने ये चढ़ाया खुद आज। बाबू ये देखो दादी के दोनों छोटा बेबी दादी के गोद में और एक छोटा बेबी देखो वहां पे चिल्ला रहा है। सो गाइस अब टाइम हो चुका हमारे ब्लॉग को फिनिश करने का। आई होप कि आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी। वैसे मैंने आज की ब्लॉग में कुछ क्रिकेट कंटेंट नहीं दिखाया क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि फिंगर में अभी तक स्वेलिंग है। सो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो दिन का रेस्ट करूंगा और जैसे ही मेरा फिंगर ठीक हो जाएगा वैसे ही दोबारा से हार्ड वर्क अपना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगे। ब्लॉग अच्छी लगे तो ब्लॉग पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और जो भी न्यू व्यूअर आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग में। टिल देन एवरीवन टेक केयर गुड नाइट बाय बाय। पर ये शूज पता आप किसके हैं? मेरे पापा के हैं। मेरे? किसके? मेरे पापा के हैं। मैं सब कुछ आइस कार्टून मैं बनाऊं।